2024 का शिकार हुआ फलों का राजा आम। सियासी खटास से भागलपुर के जरदालु आम की हुई बेइज्जती, किसान हुए आहत। अब जरदालु आम की सौगात नहीं जाएगी दिल्ली दरबार। बिहार में राजकाज के बीच एक राज का खुलासा नहीं हो पा रहा है। मिशन 2024 के सामने मिशन जरदालु को झटका लगा है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा 2007 से लगातार भागलपुर का जरदालु आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम गणमान्य को भेजा जाता रहा है, लेकिन इस बार सारी तैयारी के बावजूद आखिरी वक्त में जिला प्रशासन ने जरदालु आम भेजने से मना कर दिया। मना क्यों किया, यह अभी भी राज है। भागलपुर जिले के महेशी तिलकपुर गांव के आम उत्पादक किसान सह आम उत्पादक संघ भागलपुर के अध्यक्ष अशोक चौधरी बताते हैं कि जिला प्रशासन के आदेश पर अच्छी क्वालिटी का जरदालु आम कई किसानों के बगान से ऊंची कीमत पे खरीदा गया, पैकिंग भी कर दी गई, लेकिन भेजने के मुकर्रर तारीख की रात में ही नहीं भेजने का फरमान आ गया। नतीजा सैकड़ों क्विंटल आम बर्बाद हो गया। अब इसे सियासी रंजिश का शिकार कहें या फिर मौसम की मार या फिर चुनावी मौसम का जरदालु आम पर प्रहार, भागलपुर का सैकड़ों क्विंटल जरदालु आम सारी तैयारी के बावजूद राज्य सरकार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को नहीं भेजा जा सका, जबकि भागलपुरी जरदालु आम अब जीआई टैग से लैस है। सैकड़ों क्विंटल जरदालु आम सर गया, 299 से ज्यादा डब्बे के अंदर आम सर गया है। बाजार मुख्य से भी कम कीमत में बेचने की मजबूरी आ गई है। भागलपुरी जरदालु आम 2007 से ही राज्य सरकार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को भेजा जाता है। 1.5 दशक पुरानी परंपरा को तोड़कर इस बार सरकार ने आम को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं भेजने का निर्णय लिया, जबकि पूरी तैयारी हो चुकी थी और सिर्फ आम को ट्रेन पे लोड करना बचा था। आपको बता दें कि बिहार कृषि रोड मैप के तहत मिशन जरदालु को बढ़ावा देने का निर्णय तब हुआ था जब इस जरदालु आम की खासियत और स्वाद लाजवाब था, उसी आधार पर जीआई टैग भी मिला, लेकिन अब जो हुआ उसमें किसान के उत्पाद की बेइज्जती है, जरदालु आम की बेइज्जती है। वहीं इस विषय में उत्पादक संघ भागलपुर के अध्यक्ष अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुने। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहाँ से ऑर्डर आया था। कहाँ से? दिल्ली से, बिहार भवन से। तो यहाँ तैयारी चला, बगीचा का निरीक्षण हुआ और 2500 पेटी का आदेश हुआ कि 2000 पेटी दिल्ली जाना है और अन्य जगह जो है 400-500 पेटी जाना है। तो हम लोग उसी हिसाब से तैयारी किए। हम अपना आम के अलावा और भी अगल बगल के जितने किसान हैं सारे आम को खरीद के जमा किया गया। महंगा रेट में खरीद हुआ, चूँकि गवर्नमेंट का ये मतलब कि इच्छा था कि अधिक से अधिक किसान को इससे बेनिफिट हो, अच्छा दाम मिले। इसी क्रम में हम लोग जो है 250 क्विंटल आम को जमा करके 2500 पैकेटिंग करने का कार्यक्रम रखे। सारे पदाधिकारी लोग आए, बगीचा निरीक्षण किए, उसके बाद हार्वेस्टिंग हुआ 1-2 तारीख को, और 2 तारीख के शाम में डब्बा थोड़ा लेट से पहुँचा तो शाम से हम लोग जो है पैकेटिंग शुरू किए। करीब 1200 पैकेटिंग हम लोग का लगभग हो चुका था, 1200 या 1300। उसके बाद अचानक जो है ऊपर से आदेश आया। किनका आदेश आया? ये तो हमको तो ये हमारे साथ तो हमको तो ये बोले क्या कहते हैं आत्मा के प्रभात जी और DHO साहब कि ऊपर से आदेश आ गया है अब कि ये जो है कैंसिल हो जाना चाहिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा। के लिए अब इतना कार्यक्रम होने के बाद, पैकेटिंग होने के बाद कैंसिल कैसे हो जाएगा? के लिए फिर से देखिए पता उता लगाइए। इस क्रम में हम लोग को 12 बज गया, लेकिन अंततः यही हुआ डिसीजन कि नहीं, जब ऊपर का आदेश हो गया तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो इसको कैंसिल करना है। ट्रेन टिकट भी हो गया था? सारा चीज़ हो गया था, ट्रेन का टिकट हो गया था, डब्बा आ गया था, पैकेटिंग सारे लोग मिलके किए, उसमें कृषि के तमाम पदाधिकारी लोग थे। और पैकेटिंग होने के बाद आदेश आया कि इसको जो है कैंसिल किया जाए। क्या कारण लगता है अशोक जी, कारण साल से भेज रहे हैं? हाँ, ऐसा तो हमको उम्मीद ही किसी को नहीं था, कल्पना भी नहीं था कि पैकेटिंग होने के बाद ही कैंसिल हो जाएगा। 12 बजे रात में हम लोग को मैंने कन्फर्म हुए कि ये कैंसिल हो गया।
कितना साल से भेज रहे थे? हम तो 2007 से 17वां साल था, 16 साल तो बीच में कभी गैप भी हुआ था? नहीं, गैप नहीं हुआ था। एक बार आम में डिफेक्टिव रहने के कारण गैप हुआ था एक साल, लेकिन कंटिन्यूटी था, लगातार जा रहा था। कितना का लॉस हो गया? देखिए 250 क्विंटल खरीदे थे तो मोटा मोटी अब आड़ा भाड़ा ढुलाई फुलाई सब मिला के लगभग 15 लाख का खर्च हुआ था, सब चला गया। जब तो उसमें हमको तो 2-4 लाख का जो है हम किसी तरह से निकाले बेच के बाच के। और उसमें एक और दिक्कत आ गया कि जहां हम बेचे भी इस पैकेट में एक डिमेरिट था, हर साल का जो मानक था वो 5.5 इंची 6 इंची ऊँचा था, उसमें जर्दालू हम पचकता नहीं था। इस बार जर्द किए कैंसिल हो गया। कितना साल से भेज रहे थे? हम तो 2007 से 17वां साल था, 16 साल तो बीच में कभी गैप भी हुआ था? नहीं, गैप नहीं हुआ था। एक बार आम में डिफेक्टिव रहने के कारण गैप हुआ था एक साल, लेकिन कंटिन्यूटी था, लगातार जा रहा था। कितना का लॉस हो गया? देखिए 250 क्विंटल खरीदे थे तो मोटा मोटी अब आड़ा भाड़ा ढुलाई फुलाई सब मिला के लगभग 15 लाख का खर्च हुआ था, सब चला गया। जब तो उसमें हमको तो 2-4 लाख का जो है हम किसी तरह से निकाले बेच के बाच के। और उसमें एक और दिक्कत आ गया कि जहां हम बेचे भी इस पैकेट में एक डिमेरिट था, हर साल का जो मानक था वो 5.5 इंची 6 इंची ऊंचा था, उसमें जर्दालू आम पचकता नहीं था। इस बार जर्दालू आम से भी कम ऊंचाई का मानक डब्बा में रखा गया था, जिसके चलते जो सऊदी अरब या बंगलोर या बम्बई जहाँ पैकेटिंग कौन कर मंगाए थे? पैकेटिंग तो प्रशासन के द्वारा बनाया गया था, इसमें हमारा तैयारी प्रशासन का था। हम लोग को डब्बा तो में क्या कारण लगता है अशोक जी कि इस बार नहीं गया? क्या कड़वाहट लगता है? हाँ, सरकार के बीच में आपस में कुछ कड़वाहट होगा, और हम लोग तो किसी पार्टी से बिलोंग करते नहीं है, इसलिए कोई उससे पार्टी उठी से कोई लेना देना नहीं है। इसकी मार लेकिन किसान पर? हाँ, किसान को तो इतना मन हताशा हुआ कि सारे किसान को उम्मीद था कि इस बार जो है 60 रुपया या 70 रुपया में मेरा आम बिकेगा, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि 25 रुपये में भी आम लेने वाला कोई नहीं था, फर्स्ट क्लास पका हुआ आम। आप गया कितना? आप तो देखे हुएगा, वहाँ भागलपुर में भी मैंने स्टॉल लगवा दिया, यहाँ भी काफ़ी सड़ गया, तो 100 क्विंटल से ज़्यादा आम तो काफ़ी सड़ के फेंका गया। अब बहुत लोग ले गया गाय माल को खिलाने के लिए, किसी तरह से था कि हम खपत हो जाए। हम तो सोचे कि 20 रुपया में भी अगर बिक जाए तो पका एक नंबर आम, लेकिन कितना बिकेगा। असल था लेवाल था 50 क्विंटल का यहाँ लोकल में, और उसको कह रहे थे कि 300 क्विंटल लो। क्या आम का जो ये जो मिठास महामहिम प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच पाया, क्या कारण लगता है कि राजनीतिक खटास के कारण ये सब? बिल्कुल, इसमें कुछ तो ऐसा जरूर होगा, कहे कैसा तो और कारण कुछ नहीं था, राजनीति लग रहा है। राजनीति जरूर होगा, इसीलिए नहीं गया। हाँ, इसलिए नहीं गया, एक बार कैंसिल कर दिया गया। हाँ, अचानक कैंसिल नहीं होना चाहिए, इसे अस्थिर से हम लोग उसको कहीं और जगह वितरित कर देते तो बेहतर रहता, लेकिन साफ छोड़ के हट जाना हमारे दरवाजे पर 300 क्विंटल आम अब पका हुआ स्थिति में। 2 दिन पहले हार्वेस्टिंग हुआ तो 2 दिन के बाद तो पक गया, हड़बड़ में 1-2 दिन के अंदर में वो 300 क्विंटल एक किसान आदमी अपने दरवाजे पर क्या करेगा उस आम को, 250 क्विंटल आम को, तो वो तो फंस तो गया, राजनीतिक कड़वाहट की भेंट चढ़ गया। निश्चित ऐसा हुआ। देखिए मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी। आपने मैंगो मैन अशोक चौधरी को सुना, जिन्होंने बताया कि 50 रुपए किलो किसान से जर्दालू आम खरीदे सौगात के तौर पर दिल्ली नहीं जाने से आधे दाम में जहां तहां बेचना पड़ रहा है। आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष होने के नाते सारा वित्तीय बोझ मेरे ऊपर आ गया है। कानपुर से जर्दालू आम का पैकेट बनाकर आया था, भागलपुर पहुंचने में देरी हुई, 2 जून के बजाय 3 जून को दिल्ली दरबार में जर्दालू आम का सौगात जाना तय हुआ, लेकिन आधी रात को न जाने क्या बात हुई कि सरकारी फैसला आया कि अब जर्दालू आम की सौगात दिल्ली दरबार को नहीं जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।